वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर मशावरत। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। मिसाके पार्लियमान से जमहूरियत और पार्लियामेंट मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी वफ्द की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। पीपल्स पार्टी का हुकूमती पॉलिसियों और इकदामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जेजुआई अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना का दोटो के ऐलान, हुकूमत आइन से मुतजादम कानून साजी में किसी जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। हुकूमती वजूद और उसके इकदाम अवाम के मफादात से मुतजादम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मुतालबा, मतलब यह है कि अवाम के गजब को दावत देने के मुतरादिफ है। हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो। अवाम का दिया इक्तदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू, जेजुआई सरबरा से साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात, सियासी उमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरानी ने अपने सियासी राबतों से मुतालिक मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया। आप तारीख की दुरुस्त सम्त में खड़े हैं। मोहम्मद अली दुरानी का मौलाना फजल रहमान को खराज तहसीन। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार अरकान असम्बली के आज के सेशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। शेर अफजल मरवत, आमिर ढोकर, जैन कुरैशी, शेख वकास समेत 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। तहकीकात के जो भी नतज निकले वो हमसे शेयर किए जाएँ। बैरिस्टर गौहर की स्पीकर से दरख्वास्त, पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारियों पर स्पीकर का एक्शन, गैर जिम्मेदारी और सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ और 4 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद, 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्ला और बहीज सफदर मोहम्मद हारून भी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है। असिस्टेंट एडिशनल सेक्रेटरी सरबरा मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। असद कैसर ने स्पीकर के इकदाम नाकाफी करार दे दिए। स्पीकर के इकदाम से मुतमिन नहीं, पूरे मुल्क में जुमे के मुलगीर मुजाहरे करेंगे। हुकूमती बिल इंतहाई खतरनाक और एक शख्स को फायदा देने के लिए, हम पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। स्पीकर साहब, जो आपने इकदाम की वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमिन नहीं होने। हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हकूक़ की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूं कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहां करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। जातियात से हम निकल जाएं, अभी भी उम्मीद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। क़यादत इकट्ठी बैठे या ना बैठे, अरकान पार्लियामेंट तो इकट्ठे बैठ सकते हैं। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाके पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। सार्जेंट एट आर्म्स समेत कुछ लोगों को मुअत्तल किया। जो कुछ मैं कर सकता था वो किया, तफसील में नहीं जाऊंगा। कुछ पर्दे ज़रूरी होते हैं। स्पीकर अयाज सादिक की गुफ्तगू, पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी खसूसी कमेटी बनाने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। कमेटी की तहरीक वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ ने पेश की। 16 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी, हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी यह है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत को गाली बना दिया गया। हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से देगी तो मामला ठीक नहीं होंगे। आप भी वही करेंगे तो जो बानी पीटीआई ने किया,
तो कल मैं और आप भी जेल में होंगे। अगर वज़ीर आला जलसे में इदारों को गालियाँ दें तो फिर सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे। मेरी बानी पीटीआई से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं है, हमारा हुकूमत के साथ इख्तलाफ राय रहता है। अपोजिशन से कहूँगा इख्तलाफ राय रखें लेकिन असम्बली ना छोड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। हमें रूट दिया गया, ये आपका रूट होगा। हर एवेन्यू ब्लॉक हुआ था, कंटेनर ही कंटेनर पड़े थे। क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें आप और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए। पुलिस का इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अच्छा रखा था। दो में से एक माइनस करो तो एक रह जाएगा, हम समझते हैं दो में से एक माइनस करो तो ये एक भी नहीं रहेगा। मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात के रास्ते बंद ना करें। हुकूमत एक जलसे की मार है, ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसा तो एक बहाना है, जलसे की इजाज़त दी तो कंटेनर्स लगाने की क्या ज़रूरत थी? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। गिरफ्तारियों की तहकीकात मुकम्मल होने तक असम्बली इजलास में शिरकत ना करने का फैसला। हमारे 9 या 10 मेंबरान के अलावा कोई रुकन इजलास में शिरकत नहीं करेगा। बैरिस्टर गौहर का ऐलान, ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया, फुटेजेस मौजूद हैं, पूरा ऐवान स्पीकर के पीछे खड़ा है। अता तारण का खिताब, वज़ीरे इत्तला'आत की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर ये वाकया आइसोलेशन में हुआ होता, उस रिएक्शन में ना हुआ होता तो मैं इसको ज़रूर कंडेम करता। लेकिन जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, आप आइन को चैलेंज करते हैं, जब आप जमहूरियत की बुनियादों को जो है कमज़ोर करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे पंजाब के पे हमला आवर होंगे, अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई, उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गईं। आप हर किस्म का एहतजाज करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। जो तलखी इस वक्त नजर आ रही है उसका माजी में कोई मिसाल नहीं। वज़ीर आला केपी ऐसी जुबान इस्तेमाल ना करते तो ये वाकया ना होता। पार्लियामेंट में जो हुआ वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का रद्द अमल था। हम सब गिरफ्तार हुए मगर किसी ने आइन शिकनी नहीं की। असद कैसर स्पीकर थे, हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, सियासत करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर का इख्तियार है, हमें एतराज़ नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है, आगे का लाहमल भी तय करें, सब बैठकर कोई रास्ता निकालें। वज़ीर ख़ारजा सरकार, शाहिद काकान अब्बासी ने हुकूमत को नाम नहाद जमहूरी हुकूमत करार दे दिया। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो माशाल्लाह दौर में नहीं थे, किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं। शाहिद काकान अब्बासी ने पुरमन एहतजाज कानून पर भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। क्या किसी लीडर को ऐसा कानून मंजूर करते शर्म नहीं आई? एक जलसे से डर कर आपने अंधे काले कानून बनाए। आज जो इक्तदार में है उनको महसूस होना चाहिए कल आप ओपोजिशन में होंगे। जो कानून बनाते हैं कानून का इतलाक उन्हीं पर होता है। असम्बली के सब अरकान एक ऐसा चौकी मार है, याद नहीं किसी मेंबर को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया हो। कमेटी कमेटी से कुछ नहीं होगा, FIR दर्ज होनी चाहिए। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद काकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। चंद हफ्तों पहले चले जाइए वहाँ, तो फिर जो है ना उस वक्त जो है वो 13-14 पे थे और उस वक्त इनको जजेस बाकी पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो इस वक्त बज़ाहिर मैं कोई फाइनल स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से नहीं दे रहा, मगर बज़ाहिर जो है वो गवर्नमेंट की बदनीयती इसमें ज़्यादा दिखाई देती है। कोई उनके पास कंक्रीट किस्म की कोई चीज़ है तो उसको टेबल करते हैं, उसको लोगों में डिबेट होती है, उसकी इवन पब्लिक आम पब्लिक में इस पर डिबेट होनी चाहिए थी कि जी इसका कोई फ़ायदा है जो कुछ वो ला रहे हैं बार एसोसिएशन में बार काउंसिल्स में, क्योंकि निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक है ना। तो अब तक तो कोई किसी को कुछ पता नहीं है। बज़ाहिर तरमीम में हुकूमत की बदनीयती दिखाई देती है, अगर इस तरमीम का कोई फ़ायदा है तो इस पर बहस होनी चाहिए थी। अभी तक तो तरमीम के हवाले से अफवाहें ही हैं, आईनी तरमीम का तो अभी पीपल्स पार्टी को भी इल्म नहीं है।
तरमीम अभी पेश नहीं हुई तो कैसे कह सकते हैं कि ताबुन करेंगे या नहीं? आंखें बंद करके ताबुन नहीं कर सकते। हमने लोगों को जवाब देना है। हम पहले देखेंगे कि चीज़ें निकलने की हैं या नहीं। जेजूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुमकिना मिलिट्री हिरासत में देने से रोका जाए, बानी पीटीआई के अदालत से रजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। पंजाब की 112 तहसीलों में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। इजलास में पंजाब फिल्म फंड कायम करने की मंजूरी, कायद आजम बिजनेस पार्क शेखपुरा के दाखिली रास्तों पर M2 वाटरवे इंटरचेंज बनाने की भी मंजूरी। चंदा किला चौक गुजरवाला में फ्लाईओवर की तामीर पर इत्तफाक। मियांवाली से सी पैक इंटरचेंज, दाऊद खेल में एडिशनल कैरिज वे की तामीर का जायजा। दिल्ली मुल्तान रोड पर टोबैटैक्सिंग समेत 3 रोड्स को दोरिया बनाने का असूली फैसला। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की मुल्तान बिहारी रोड दोरिया सड़क बनाने की हिदायत, आवाम की सहूलत देखेंगे। सिंगल रोड बन भी गया तो ट्रैफिक के मसाइल बरकरार रहेंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का हर साल आने वाले सैलाब से मुतालिक बचाव के लिए पायदार इकदाम करने का हुक्म। हर साल सैलाब की वजह से नुकसान नाहली के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आला पंजाब पुलिस शहदा के अहले खाना के घरों के लिए ग्रांट बढ़ाने की मंजूरी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आज पेश की जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी में शरा सूद में कमी की तवक्को। सरमायाकारों ने शरा सूद में 2% कमी की उम्मीद लगा ली है। मुआशी माहरीन ने शरा सूद 19.50% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। स्टेट बैंक की जरूरी पॉलिसी कमेटी आज मुआशी अदादोशुमार का जायजा लेगी। अगस्त के महीने में महंगाई की शरह 34 माह की कम तरीन सतह पर। बिजली की कीमतों में कमी पर हुकूमत ने 45 दिन का वक्त लिया। 30 दिन गुजर चुके बिजली बिलों में रिलीफ से मुतमे नहीं है। बिजली बिलों में ऐसे टैक्स शामिल हैं वजीर तबाराई को खुद मालूम नहीं। IPP माहदे झूठ की बुनियाद पर किए गए, बिजली की कीमत लागत के मुताबिक होनी चाहिए। ताजे दोस्त के नाम पर ताजे दुश्मन स्कीम खत्म होना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान का कारकुनों से खिताब। आवाम को महंगाई का एक और झटका। हुकूमत ने बिजली सार्फीन पर 43.23 करोड़ रुपए का अजाफी बोझ डाल दिया। बिजली की कीमत में 1.74 रुपए फी यूनिट इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट के मद में किया गया। कीमतों का इजलास डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक सार्फीन पर हो गया। बिजली की कीमतों में इजाफा सितम्बर अक्टूबर नवम्बर के लिए किया गया। नेपरा ने 6 सितम्बर को अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया था।